बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की पत्नी सुमन की 7-11 एजुकेशन सोसाइटी को ठाणे के स्टैम्प कलेक्टर ने रुपए देने का नोटिस जारी किया है। यह राशि जुर्माने सहित करोड़ों में है। 7 स्क्वायर एकेडमी मीरा रोड के पूर्व में एक स्कूल है। जमीन और स्कूल की इमारत बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनकी पत्नी सुमन मेहता की 7-11 एजुकेशन सोसाइटी को 2008 में 30 साल के लिए मामूली लीज पर लिया था। 2013 से शिकायत की जा रही थी कि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय नियमानुसार निबंधन एवं स्टैम्प शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण आपराधिक कार्रवाई कर जुर्माना सहित स्टैम्प शुल्क वसूल किया जाना चाहिए। ठाणे शहर के प्रभारी स्टैम्प के जिला अधिकारी तानाजी गंगवाने ने 7-11 एजुकेशन सोसाइटी की सुमन मेहता को 23 जुलाई को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में 2014 में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 10 नवंबर 2016 को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया था। अंतिम आदेश 26 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। 9,926 स्क्वायर फीट भूमि क्षेत्र में कुल 78,000 स्क्वायर फीट का विद्यालय भवन है, जिसका 97,40,100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त स्टैम्प शुल्क के साथ नोटिस जारी होने के तिथि से 30 दिनों के भीतर 2% प्रति माह का जुर्माना अदा किया जाना चाहिए। राशि का भुगतान नहीं करने पर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ने नोटिस में अनिवार्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। शुक्रवार 30 जुलाई को एमएमसी कमिश्नर दिलीप ढोले ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 3 बजे तक ही नगरपालिका में आने की अनुमति दी थी, जबकि नेता और बिल्डरों ठेकेदारों पर ऐसा कोई फरमान नहीं सुनाया गया था। इस फरमान के चलते आज मीरा भयंदर के सारे पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर इस तुगलकी फरमान का विरोध किया और एमएमसी कमिश्नर दिलीप ढोले से मिलने नगरपालिका पहुंच गए। साथ ही सारे पत्रकारों ने नारेबाजी भी की। इसके बाद कमिश्नर दिलीप ढोले ने सभी पत्रकारों के साथ बैठक की और कहा कि पत्रकारों को गलतफहमी हुई है। इस तरह का बयान उन्होंने आज दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई मनपा थाने मनपा और मंत्रालय में भी ऐसी कोई भी पत्रकारों को पाबंदी नहीं है। काशीमीरा पुलिस थाने में 35 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ फिल्म में नौकरी दिलाने की आड़ में 14 साल की बच्ची का यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया गया है। पेनकरपाड़ा में रहने वाले एक आरोपी ने उसी इलाके में रहने वाली 14 साल की एक लड़की को चैना गांव के एक होटल में काम करने का लालच दिया, जहां फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसकी बात सुनकर वह लड़की उसकी बातों में आ गई और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ वह लड़की चैना के एक होटल में गई, जहां पर उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद यह मामला काशीमीरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया।